था कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है, तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। मैम आपके साथ आपकी बेटी अदिति भी लगातार चुनाव प्रचार में देखी जा रही है, लोग कह रहे हैं कि माँ के चुनाव में बेटी भी लोगों से अपील कर रही है, बाबा की पृष्ठभूमि पर बेटी भी अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। मैं समझती हूँ कि अदिति भी जैसे हमारे इतने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, तो उन्हीं की तरह अदिति भी है और वो एक तरीके से जान रही है कि जो राजनीति है वो बहुत आसान चीज नहीं है और राजनीति के लिए आपको धरातल में उतरना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। तो चुनाव की क्या पृष्ठभूमि, इस बार चुनाव में क्या एजेंडा है आपका, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है इस बार? आप जानते हैं कि एजेंडा क्या है, युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं किस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है, जहां हमारी बेटियों का मुद्दा है, जहां पे इतना अत्याचार महिलाओं पे बढ़ गया है, और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 50% जो है महिलाओं के संग जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हमारा युवा परेशान है, हमारा किसान परेशान है, आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, लगातार लोग मर रहे हैं नौकरियों की वजह से, जो युवा हैं कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है प्रदेश की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।